Hi everyone, this is Monica Agarwal, lecturer in commerce from GGSS Hisar. My dear students, आज हम business studies का chapter करेंगे staffing, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं नियुक्तिकरण. बहुत ही एक important chapter है, अच्छा chapter है, इसको करने में भी मजा आएगा. तो लेकिन आगे चलने से पहले कि अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे जो कि स्टाफिंग से रिलेटेड होंगे हमारे. ठीक है, तो चलिए आइए बच्चों हम उस पर एक नज़र डाल लेते हैं. हमारे आज के टॉपिक रहेंगे, हम बात करेंगे स्टाफिंग क्या है, उसका हम मीनिंग पढ़ेंगे, डेफिनेशन हम पढ़ेंगे उसकी, फ़ीचर्स के बारे में भी हम जानेंगे कि स्टाफिंग की फ़ीचर्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं उसके, क्यों ज़रूरत है, क्यों चाहिए, नियुक्तिकरण क्यों होना चाहिए. साथ ही हम ये भी देखेंगे कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका क्या महत्व है. ठीक है, और एट लास्ट हम उसमें क्या करेंगे, उसकी प्रोसेस के बारे में कि स्टाफिंग की प्रोसेस हमारी क्या है. अब तक आप लोग पढ़ चुके हो मैनेजमेंट के दो फंक्शंस. मैनेजमेंट में क्या था कि जब हम दूसरों से काम करवाते हैं उसकी कला को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं. कि दूसरों से एक अच्छे ढंग से काम करवाना हम उसे मैनेजमेंट कहते हैं. फिर आपने मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े थे. सबसे पहला फंक्शन हमारा क्या था उसमें, प्लानिंग. कि जो भी हम काम करने चलते हैं उससे पहले हमें कुछ ना कुछ उसके बारे में सोचना है कि हम क्या काम करने वाले हैं, किस तरीके से करेंगे, कौन करेगा, कब करेगा, है ना. ये सब चीज़ें हम उसमें सोचते करते हैं. प्लानिंग के बाद बच्चों आपने क्या पढ़ा, फिर सेकंड फंक्शन उसका आ गया, ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग में क्या था कि प्लानिंग में तो एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि आपने उनको एक सिर्फ माइंड में चीज़ सेटअप थी आपके, अब आप उनको प्रैक्टिकल शेप देने लग रहे थे. आप ये देखने लग गए थे कि आपका काम डिसाइड हो चुका था, आप ये देखना चाह रहे थे कि अब कितने लोगों की ज़रूरत होगी उस काम में, है ना, किस टाइप के हमें लोग चाहिए उस काम को करने के लिए. हम इन सारी चीज़ों को देख रहे थे, हमने अपनी पोजीशंस क्रिएट कर ली थी. लेकिन खाली पोजीशंस क्रिएट करना तो बात नहीं बनती. बात कब बनती है, जब हम अगर उसमें जिस टाइप के हमें लोग चाहिए, जितनी क्वालिफ़िकेशन के लोग हमें चाहिए, अगर वो हमें अवेलेबल हो रहे हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, काम आगे चला सकते हैं. तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्टाफिंग कहते हैं. ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं. और इसीलिए जैसे कि किसका दिया भी गया है, थोड़ा सा एक आसान शब्दों में जो इसका मतलब समझाया गया है, देखिए उस पर एक नज़र डालते. देखिए, मीनिंग ऑफ स्टाफिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ रिक्रूटिंग द एम्प्लॉयज़. अब यहाँ पे क्या चीज़ करनी है आपने, कि हम ये कह रहे हैं कि एक किस्म से क्या है ये, एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना, उनको भर्ती करना. लेकिन हम ऐसे ही किसी को भर्ती तो नहीं कर सकते ना, तो हमें उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है, हमें उसके लिए करना पड़ता है इवेल्युएटिंग देयर स्किल्स. हमें उनके स्किल्स को देखना है, उनके अंदर क्या नॉलेज है क्या नहीं है, हमें उसको देखना है. और साथ में हम उनको क्या कर रहे हैं, ऑफरिंग देम स्पेसिफिक जॉब रोल्स अकॉर्डिंगली. अगर कोई पर्सन हमारे मुताबिक है, जो रिक्वायरमेंट हमें थी उसी के अकॉर्डिंग वो उन चीज़ों पे खरा उतरता है, तो हम फिर उसे क्या करते हैं, जॉब ऑफर करते हैं. तो ये सब हमारा क्या कहलाता है, स्टाफिंग कहलाता है. ठीक है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन की ओर चलते हैं. अब हम डेफिनेशन है आपके सामने, लेकिन उससे पहले एक नारायण मूर्ति सीईओ थे जो इन्फोसिस के हैं, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं इन्हीं से रिलेटेड है ये, वो कहते हैं अवर एसेट्स वॉक आउट ऑफ द डोर ईच इवनिंग. कि हर एक शाम को जो हमारी संपत्तियां हैं वो दरवाजे से बाहर चली जाती हैं. वी हैव टू मेक श्योर दैट दे कम बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग. और हमें ये श्योरिटी भी करनी है कि वो अगली सुबह वापस आएंगी. भाई अब आप सोचोगे कि हमारी एसेट्स बाहर जाती कैसे हैं, है ना, सोचोगे ना. लेकिन देखिए अब पैर संपत्तियों के तो पैर नहीं होते, तो फिर वो बाहर कैसे चली जाती है. लेकिन
वो बात किसके बारे में कर रहे हैं। जब देखिए बिजनेस कौन कर रहा है, सारा इंसान कर रहा है ना, मानव कर रहा है। उसमें जो लोग हैं आपके पास, चाहे बेशक कितनी ही ऑटोमेटिक मशीनरी क्यों ना हो, उसको ऑपरेट करने के लिए कौन चाहिए, मानव चाहिए। ठीक है, अब उसको ऑपरेट करने के लिए अगर कोई इंसान चाहिए आपको और फिर वही इंसान से आपका काम बन रहा है, तो इसका मतलब ह्यूमन बीइंग से आपका चल रहा है। तो ह्यूमन बीइंग भी जस्ट लाइक हमारी क्या हो गया, एक एसेट हो गई ना। जितनी हमारी फैक्ट्री के लिए मशीनरी ज़रूरी है, उतनी ही हमारी फैक्ट्री के लिए क्या ज़रूरी है, लेबर है। जब मशीनरी हमारी फर्म की एसेट है, तो फिर ह्यूमन रिसोर्स भी तो हमारी फर्म का एसेट हुआ ना। तो अब और तो नहीं जाती, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी एसेट है कि जो इंसान है, जो लेबर है, वो हर रोज़ अपने घर जाती है। तो इसलिए वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आवर एसेट्स वॉक आउट ऑफ द डोर ईच इवनिंग, कि वो हर एक शाम को वो बाहर चली जाती हैं। और देखो अगली सुबह वो कब आएंगी, जब वो हमारी जॉब से सेटिस्फाई होंगी, जब वो हमारे पास काम करके खुश होंगे, उन्हें उतना दिया जा रहा है जिसके लायक वो हैं, जितना वो डिज़र्व करते हैं, तो फिर वो नेक्स्ट मॉर्निंग अपने आप आएंगे। क्योंकि ये नहीं होता कि सिर्फ हम ये कहें कि मालिक को ही सर्वेंट की ज़रूरत है या सर्वेंट को ही नौकरी की ज़रूरत है, नहीं, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। दोनों में से किसी का गुजारा एक के बिना नहीं होता है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि जो स्टाफिंग है हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब नज़र डालते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो यहाँ पे थियो हैमन है, उन्होंने इनकी डेफिनेशन दी है, जिसमें इन्होंने एक किस्म से वो जो बहुत आसान लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन दी है, उन्होंने बताया द स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू द रिक्रूटमेंट सेलेक्शन डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन ऑफ सबॉर्डिनेट मैनेजर्स। अब स्टाफिंग के फंक्शंस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, रिक्रूटमेंट माने भर्ती करना, लोगों को अपनी तरफ बुलाना, और फिर सिलेक्शन में आप उनको सेलेक्ट करते हैं। खाली वैसे बात नहीं बनती जब तक आप उनका ट्रेनिंग डेवलपमेंट नहीं करते हैं, है ना, और जब तक आप उनको मैनेजर्स के साथ नहीं लगाओगे, काम नहीं कराओगे, तो काम नहीं हो सकता। तो मतलब स्टाफिंग फंक्शन को वो इन्हीं सारे के सारे चीज़ों से जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। तो बच्चों देखो, अब आपको इसका मीनिंग पता चल गया, इसकी डेफिनेशन पता चल गई। अच्छा क्या रहता है, पेपर में आपको इसका वे ऑफ राइटिंग भी होना चाहिए। तो वे ऑफ राइटिंग में अब आप इसको क्या करेंगे, हम एक कॉन्क्लूसिव डेफिनेशन, हम कह सकते हैं कि कॉन्क्लूजन में हम समझ सकते हैं कि हमारा स्टाफिंग होता क्या है। तो देखिए इसका कॉन्क्लूजन क्या निकला, कि जो स्टाफिंग है, एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी फॉर स्पेसिफिक पोजीशन। अब यहाँ पे किस चीज का प्रोसेस बन गया, कि हमने जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हमें चाहिए, है ना, उसकी जो हमने ऑर्गेनाइजेशन में बनाया कि भाई हमने संगठन किया था, संगठन में हमने देखा कि इस पर इतने हमें पोजीशंस क्रिएट हुई, हमें परचेज मैनेजर चाहिए, हमें सेल्स मैनेजर चाहिए, हमें फाइनेंस मैनेजर चाहिए। अब परचेज डिपार्टमेंट में काम करने के लिए इतने लोग होने चाहिए, है ना, तो अब वो कहाँ से हैं, अब हमने लोगों को हायर करना है। आप लोगों को अपने पास रखोगे, उन्हें पैसा दोगे बदले में, तो क्या है, वो हायरिंग ही तो है। लेकिन आप ऐसे ही किसी राह चलते को तो नहीं रख सकते ना, आप उसके लिए क्या देखते हो, एलिजिबिलिटी देखते हो कि आपने कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या योग्यता उस इंसान में होनी चाहिए, वो सब चीज़ें आप देखते हो। तो इसलिए जो है हम इसको ये भी कह सकते हैं, दो लाइन में हम ये भी कह सकते हैं इसको, कि इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल द पोस्ट विद पीपल। तो कितनी एक लाइन में स्टाफिंग को अच्छे से बता दिया गया है कि क्या है यहाँ पे, कि हमने क्या करना है, लोगों से पोस्टों को भरना है और उन्हें भरे रहने देना है। तो वो हमारी क्या हो जाती है, स्टाफिंग हो जाती है, ठीक है। और अगर हम ये भी कह सकते हैं कि इसको और भी हम एक अच्छे से ढंग से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इसको, इट इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस ऑफ फिलिंग द वेकेंट पोजिशन ऑफ द राइट पर्सनल
कि हमने कौन सी पोजीशंस फिल करनी है जो खाली हैं। जिस पे ऑलरेडी कोई लगा हुआ है उसको थोड़ा ना फिल करना है आपने, तो वैकेंट पोजीशन होनी चाहिए, राइट पर्सनल जो उसके लिए सही कर्मचारी है, एट द राइट जॉब, जो एक जगह है, जो एक जॉब है, जो एक स्टेटस है उसके लिए तो होगा ना, तो वहाँ पे सही जगह पे सही समय पे, समय भी तो सही होना चाहिए, तो सही समय पे सही चीज़ में अगर सही कर्मचारी है तो फिर हर कुछ हमारा क्या होगा, राइट मैनर में अपने आप हो जाएगा, सब कुछ तरीके से चलता है, सही टाइम पे हम सब काम करते हैं। तो देखिए आप अपनी वास्तविक ज़िंदगी में भी तो ऐसा ही करते हो ना, अगर आप सही टाइम पे हर चीज़ पढ़ाई करते हो तो पेपर में नंबर आपके अच्छे आते हैं। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में है, अगर आप कामों को सही ढंग से करोगे, सही टाइम पर करोगे, जहाँ सही लोगों की ज़रूरत है वो मिलेगी, तो सारा का सारा जो बिज़नेस है वो हमारा क्या चलेगा, बहुत अच्छा चलने लगेगा। ठीक है, तो ये तो थी बच्चों बात डेफिनेशन की। चलिए अब आती है इसकी फीचर्स, और देखो डेफिनेशन में से ही काफ़ी सारी फीचर्स निकल आती हैं हमारी, क्योंकि जितनी भी ज़रूरी बातें होती हैं वो हमारी मीनिंग और डेफिनेशन में हमारी आ जाती है। तो सबसे पहली बात हमने क्या कहा था कि ये किससे रिलेटेड है, स्टाफिंग में आप किसको अपॉइंट करते हो, नियुक्तियाँ करते हो ना, किसकी करते हो, पर्सनल की। पर्सनल क्या है, हमारा एक ह्यूमन बीइंग है, तो यहाँ पे फिर हमारी इसकी सबसे पहली जो फीचर हो गई वो क्या बन गई, रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, कि किससे रिलेटेड है ये हमारा, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, तो ये मानव से रिलेटेड है तो हमें उसका ध्यान रखना है, और हमें उसी के बेस पे कि उसकी कितनी नॉलेज है कितनी नहीं है, उसको क्या हमें ट्रेनिंग देनी है, कहाँ से हमें अपॉइंट करना है, कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें देखते हैं। दूसरी बात आती है, दिस इज़ ए सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजमेंट के बच्चों आपने फंक्शंस पढ़े थे, ध्यान है उसमें आपने क्या क्या पढ़ा था, मैनेजमेंट का फंक्शन जो हेनरी फ्योल ने दिए थे वो 5 फंक्शंस थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग आप पढ़ चुके, सोचा आपने, ऑर्गेनाइजेशन में उसको प्रैक्टिकल शेप देने लग गए थे, ऑर्गेनाइजेशन में आपने पोस्ट क्रिएट कर ली कि कितनी आपको पोस्ट चाहिए, किस किस टाइप के आपको लोग चाहिए, उस पर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो फिर इसलिए हमारी किस चीज़ की ज़रूरत हुई थी, स्टाफिंग की, क्योंकि स्टाफिंग इट्सेल्फ अपने आप में बहुत बड़ा काम है, तो यहाँ पे क्या है, ये एक अलग से एक मैनेजरियल इसका फंक्शन है। एसेंशियल्स एट ऑल मैनेजरियल लेवल, मैनेजरियल लेवल बच्चों कितने होते हैं हमारे, 3 होते हैं, एक टॉप, दूसरा कौन सा होता है, मिडल, एंड थर्ड वन इज़ लोअर लेवल। अब टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, क्या ऐसा कहीं है कि किसी लेवल पे काम ना हो रहा हो, सिर्फ एक या दो जगह काम हो रहा हो, नहीं, अपॉइंट तो आपने लोगों को हर लेवल पे करना है ना, तो फिर इसलिए स्टाफिंग की ज़रूरत भी कहाँ पे है, हर एक लेवल पे है। बेशक जो आप लोगों को काम दे दिया कि आप अपने डिपार्टमेंट के लोग अपॉइंट करिए, लेकिन मेन जो उनकी रहेगी जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, टॉप वालों की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिर भी कोई गलत इंसान हमारी कंपनी में नहीं आना चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट है वही हमारी कंपनी में आना चाहिए। अगली क्या चीज़ आ जाती है, रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे देखिए, आप जब बिजनेस करते हैं तो आपके तब भी सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है, क्या सामाजिक उद्देश्य बनते हैं आपके, आप लोगों को अच्छा सामान दें, है ना, सही कीमत पे दें, ठीक है, आप अपना प्रॉफिट भी अर्न करिए, ये नहीं कहा जाता कि आप बिल्कुल एट कॉस्ट ही उनको माल दे दीजिए, नहीं, आप अपना प्रॉफिट भी अर्न कीजिए लेकिन आप समाज को लूटिए नहीं, इतना कहा जाता है। तो यहाँ पर भी स्टाफिंग की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, स्टाफिंग से रिलेटेड, कि जब हम लोगों की अपॉइंटमेंट करते हैं तो हमें फ़र्क नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का, समाज में एक समानता रखें, जो जिस लायक है, जिसकी जितनी कैपेबिलिटीज़ हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं करनी चाहिए, हमें कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम जब कहीं बायस नहीं होते, हम सब चीज़ों से रिलेटेड सही ढंग से चलते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें क्या आ जाता है, इफ़ेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का क्या इफ़ेक्ट हो सकता है स्टाफिंग पे, बिल्कुल हो सकता है।
इंटरनल एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है बच्चों, कि फर्म के अंदर से, बिजनेस के अंदर से ही लोगों को अपॉइंट कर लेना। अब भाई बिजनेस में लोग फालतू थोड़ना है जिनको उनको कैसे अपॉइंट करेंगे। तो देखो, अगर कोई लोअर लेवल पे काम कर रहा था लेकिन उसमें कैपेबिलिटीज़ हैं, वो बहुत अच्छा है, तो उसको क्या कर सकते हैं, हम प्रमोट कर सकते हैं। उसका फ़ायदा हमें क्या मिलेगा कि वो पहले से काम की उसको नॉलेज है, वो अपने ऑलरेडी पहले जो बॉस चल रहे थे उनके साथ काम करवाता आ रहा था, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट से भी बड़ा फैमिलियर है ना। तो यहाँ पे उस चीज़ का भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। और अगर आप चाहें तो आप बाहर से भी आप ले सकते हैं अपने ह्यूमन रिसोर्स को, क्योंकि जैसे जो बाहर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है या कहीं से भी है ना, कोई भी जो उसके लिए अप्लाई कर सकता है, आप दे देते हैं एडवर्टीजमेंट और उसके अकॉर्डिंग आ जाता है। तो बच्चों ये क्या थी हमारी इसकी फीचर्स। चलिए अब हम जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जिन चीज़ों से मिलकर हमारा स्टाफिंग बना है। तो मैंने यहाँ पे एक फनल की तरह आपको देखिए दिखाया है, इसमें क्या चीज़ है कि तीन चीज़ें इसमें मिल रही है और निकल क्या रहा है फिर यहाँ से, स्टाफिंग, जो हमारा क्या है, कंपोनेंट्स हैं। तो पहला बच्चों इसमें कंपोनेंट हमारा क्या चीज़ आ जाती है, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या चीज़ है कि जब भी हम अपनी फर्म में जो चाहते हैं कि हमारी पोस्टें भरें, तो हमें ये करना है कि लोग उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें ताकि हम उसमें से चुनाव भी अच्छा कर सकें। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ये एक हमारी पॉजिटिव अप्रोच है ना। सिलेक्शन, फिर सिलेक्शन में क्या बात आ जाती है कि जब आपके पास मान लीजिए 100 एप्लीकेशंस आ गई, लेकिन रखने तो आपने 5 लोग ही हैं, तो अब 100 में से 5 रखोगे तो मतलब 95 आपको क्या करने पड़ेंगे, रिजेक्ट, हटाना पड़ेगा ना उनको, कि जो आपकी शर्तों पे खरे नहीं उतरते, जितनी आपको नॉलेज चाहिए थी वो उनके पास नहीं है, तो आपको उनको रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। तो आपने उनको क्योंकि बुलाया और उनको रिजेक्ट कर दिया, तो ये किस्म से क्या मानी जाती है, नेगेटिव अप्रोच मानी जाती है। एंड द लास्ट इज की ट्रेनिंग। अब कोई भी इंसान जिसको आप अपनी फॉर्म में रख रहे हैं, तो उसको हम ट्रेनिंग दे देते हैं कि भाई काम यहाँ पे कैसे होगा, इस तरीके से काम होगा और आपको ऐसे ऐसे ढंग से यहाँ पे चलना होगा, तो उससे वो काम भी हमारा और क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो बच्चों इस तरीके से मिला के जो हमारे यहाँ पे आ जाते हैं स्टाफिंग के तीन कंपोनेंट्स, जब मिल जाते हैं तो निकल के फिर हमारे पास क्या सामने आता है, स्टाफिंग सामने आता है। अब जब ये स्टाफिंग हुआ, जैसे अब आप देखो कि न्यूज़पेपर में आप देखते हो कोई एडवर्टीजमेंट निकलती है, जब एडवर्टीजमेंट निकलती है तो उसके लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। हमारे देश में बेरोज़गारी बहुत है, लोगों के पास इतनी इतनी नॉलेज है लेकिन उन्हें घर बैठे हैं उनको पूरी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो वहां पे वो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं उस जॉब के लिए, तो फिर वो क्या कहलाती है, रिक्रूटमेंट। अब वहां पे जो दो पोस्टें भी हैं, आप सिर्फ दो पोस्टों में से उन्हें रखना तो दो ही लोगों को है ना, चाहे उसके लिए 1000 लोग हो चाहे 10,000, तो वो क्या है हमारा सिलेक्शन की, उसमें विभिन्न क्राइटेरिया देखे जाते हैं। एंड द लास्ट, कि जो दो लोग रखे थे उनको हमने क्या किया, ट्रेनिंग दी है। तो ये सारा का सारा मिलके क्या बन गया, हमारा स्टाफिंग बन गया। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले उसकी तरफ चलते हैं, दैट इज़ नीड ऑफ स्टाफिंग, कि क्यों ज़रूरत है हमारे को स्टाफिंग की। स्टाफिंग की बच्चों हमें इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, हमने क्यों बनाया इसको, इसको बनाया फिलिंग द रोल्स के लिए, कि हमने अपनी जो फॉर्म में जो पैस क्रिएट कर रखी थी ना पोस्ट, अब हमें उनको भरना है। भरेंगे हम किसके थ्रू, स्टाफिंग के थ्रू, कि हमने देख लिया कि कितने लोगों की हमें ज़रूरत है, हम लोगों से अप्लाई करवाएंगे और उन्हें बुलाकर जो भी है उसमें से चुनाव कर लेंगे। सेकंड आती है ह्यूमन एम्फेसिस। अब यहाँ पे क्योंकि इंसान पे ही जोर दिया जा रहा है, आपने रखना किसको है, स्टाफिंग कम्प्लीटली इज़ रिलेटेड विद ह्यूमन, इंसान को आप रख रहे हो ना, तो आपने मानव पे जोर देना है, तो इंसान को आपने देखना है। तो देखो आप उसको वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी देनी पड़ेंगी, ट्रेनिंग भी सही ढंग से दीजिए है ना, सही सैलरी दीजिए ताकि उसको भी काम उसका अच्छे से चल सके। तो क्योंकि ह्यूमन पे हमें जोर देना है तो यहाँ पे हमारे को स्टाफिंग की ज़रूरत पड़ी थी। थर्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज। अब उसमें नॉलेज भी होनी चाहिए। अब क्योंकि डे बाय डे इतना सब कुछ बढ़ गया कि हम किसी के ऊपर भी खाली काम नहीं सौंप सकते है ना, हमें देखना पड़ता है कि कितनी नॉलेज का इंसान हमें चाहिए, कितनी नॉलेज अगले के पास है, क्या वो हमारा काम कर सकता है या नहीं कर सकता है।
तो इन चीज़ों के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है? स्टाफिंग की ज़रूरत पड़ती है। एंड द लास्ट इज़ स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन में क्या चीज़ आ जाती है? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आजकल हर चीज़ के एक्सपर्ट है हर चीज़ में। अब एक किस्म से आप एक एग्ज़ाम्पल अपने स्कूल का ही ले सकते हो। स्कूल में बच्चों, आपके पास क्या है? कॉमर्स है। आपने देखा होगा कि जो आपकी कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं उनके लिए टीचर अलग हैं, साइंस वालों के लिए अलग हैं, है ना, हिंदी इंग्लिश के लिए अलग हैं, जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उनके लिए अलग है। हर टीचर अपना ही एक सब्जेक्ट आपको क्यों पढ़ा रहा है? वो इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि उसकी उसमें स्पेशलिटी है, उसकी उसमें मास्टरी है, उसकी कमांड है, वो उसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज रखता है। अब आपको दूसरा कोई टीचर कॉमर्स के अलावा अगर बिजनेस पढ़ाएगा साइंस वाला, तो वो इतने अच्छे से नहीं दे पाएगा। एक कॉमर्स वाला टीचर अगर चाहे कि वो साइंस वाले बच्चों को पढ़ाएगा, वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्पेशलिटी नहीं है उसमें, है ना। तभी हम उसी टीचर से पढ़ते हैं जिसकी उसमें स्पेशलिटी होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है। जब हमने कोई काम करवाना है, आजकल इन इन चीज़ों के लिए जो एक्सपर्ट आ गए हैं, हम उन एक्सपर्ट्स की हेल्प लेते हैं ताकि हमारी जो फर्म है, क्योंकि चलनी तो अगर लोग अच्छे होंगे तभी तो हमारी फर्म चलेगी। तो इसलिए ये थी इसकी क्या थी, हमारी नीड थी। चलिए, अब हमने इसका ये तो जान लिया कि नीड क्या थी, अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस की। पहली इम्पॉर्टेंस अब इसकी हम क्या कह सकते हैं, हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। ने ऊपर क्यों करा था? क्योंकि आपको अपनी पोस्ट भरनी थी। तो आपको अगर अपनी कंपनी में किन्हीं लोगों को रखना था, तो क्या आपने ऐसे ही किसी को भी रख लिया, जो कोई आया उसको रख लिया? नहीं, आपने अच्छे से उसको जांचा परखा तब आपने रखा। तो उसमें उसकी हेल्प किसने करी? आपकी स्टाफिंग ने। नियुक्तिकरण के ही थ्रू आपका सारा हुआ ना, कि आपने एक्सपर्ट बिठाए, आपने ले देखा कि अगर आपके पास 100 एप्लीकेशंस आ रही थी, आपने उससे 5 लोग चुनने थे, तो आपने 100 लोगों में से 5 लोगों को चुना। तो किसने हेल्प की? वो स्टाफिंग ने। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं इसको, हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। अब खाली लोगों को ही अपॉइंट करने से तो फ़ायदा नहीं होगा, हमें फिर किसको अपॉइंट करना है साथ में? बेटर परफॉर्मेंस भी हमें चेक करनी होती है, है ना। अब बेटर परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगा? हमेशा हम हर चीज़ों के कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स करके रखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो हमारी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो अगर वो नहीं है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो हम फिर देखते हैं क्या रीज़न रहे थे उसके पीछे। तो यहाँ पे भी ये किस लिए हेल्प करता है? हमारी बेटर परफॉर्मेंस को जानने में हेल्प करता है। अब जब लोग अच्छे होंगे, तो काम भी अच्छा होगा। लोग कॉम्पिटेंट हैं, योग्य हैं, उनमें इतनी योग्यता है और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, है ना। अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो काम अच्छा होगा, काम अच्छा होगा तो बिज़नेस में क्या होंगे, प्रॉफिट होंगे। जब बिज़नेस में प्रॉफिट अच्छे होंगे, तो हमारा जो बिज़नेस है वो आगे रोंगन तक लंबा चलेगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं इसको, हेल्पफुल इन कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। लंबे टाइम तक भी चलेगा और आगे जो है एंटरप्राइज ग्रो भी करेगा। खाली ये नहीं है कि उसका विकास भी हो जाएगा, आज वो हो सकता है 100 यूनिट बनाते हो, तो कल को 1000 यूनिट भी बना सकते हैं, क्योंकि उनका काम अच्छा चल रहा है ना। और फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसमें, हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। अब जैसे हम चाहते हैं कि हर एक चीज़ हमारी, क्योंकि संसाधन जो हैं वो हमारे लिमिटेड ही हैं, अनलिमिटेड नहीं है कोई भी चीज़ आपके पास। तो ऐसे ही देखिए कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि हमने पहले अच्छे से रिक्वायरमेंट निकाली, कितने लोगों की हमें ज़रूरत है और कितने लोग हमें अपॉइंट करने हैं, तो हम पहले से उसी के अकॉर्डिंग ही उनको अपॉइंट करते हैं, है ना, जितने लोगों का हमें पता है। जब हमें पता है कि हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा लोग नहीं हैं, ज़रूरत से कम भी लोग नहीं हैं, तो फिर जितने लोग थे हम उनके उनसे काम करवा रहे हैं। दैट इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अगला आता है फिर लास्ट, हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज़। अब स्टाफिंग जो है वो उनमें जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे बढ़ा देगा?
देखिए, जब स्टाफिंग आप कर रहे हैं, जब आप लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, तो नो डाउट आप कहीं ना कहीं उन्हें एक बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट भी तो दोगे। जब आप उनको एक अच्छा सा एनवायरनमेंट दोगे तो फिर हमारे पास क्या होगा कि वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, है ना। जब हमें उन्हें अच्छी सैलरी दे रहे हैं, अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, अगर उनको ज़रूरत है तो उनको छुट्टी भी दे रहे हैं और बेनिफिट्स भी हम उनको दे रहे हैं, तो उससे वो लोग क्या हो जाते हैं, जॉब सेटिस्फाई हो जाते हैं। कोई अच्छा काम करता है तो हम उसे रिकॉग्नाइज़ करते हैं, हम हो सकता है उसे बोनस दे दें या कुछ भी कर दें, तो इससे उनके मोरल में भी बढ़ोतरी होती है कि भाई हाँ, हमारा तो बहुत अच्छा ध्यान रखा जा रहा है, हमारे तो लाइक हम एक फैमिली हैं, तो हम अपनी ही तरह क्यों ना काम करें। तो यहाँ पे वो चीज़ आ जाती है। तो देखा बच्चों, तभी तो हम कहते हैं कि ये इतनी इम्पॉर्टेंस है, तभी तो मैंने शुरू में आपको बताया था नारायण मूर्ति जी की एक कोट मैंने दिया था कि हर शाम को हमारी जो संपत्तियां हैं वो बाहर चली जाती हैं और हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वो अगली सुबह हमारे ही पास आए। तो अब पता चला आपको कि हम किसके बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि ये ह्यूमन से रिलेटेड है। ह्यूमन भी जस्ट लाइक ह्यूमन बींग जो है जस्ट लाइक एन एसेट है, तो इसीलिए उन्होंने ये बात कही थी। और आपने देखा कि जब वो जॉब सेटिस्फाई हो जाते हैं, उनका मोरल बढ़ता है, तो नो डाउट जो शाम को गए हैं वो नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे ही पास आएंगे, ठीक है। एंड द लास्ट ऑफ द टॉपिक इज स्टाफिंग प्रोसेस। वैसे तो आपको अब तक सब कुछ पता चल चुका है कि क्या है, कैसे है, किस तरीके से है, है ना, लेकिन नहीं, एक सीक्वेंस होता है। आप कोई भी किसी भी चीज़ के पॉइंट्स लिख सकते हैं, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई क्रैमिंग नहीं करनी होती बच्चों आपको, लेकिन जो प्रोसेस है वो हमेशा एक सीक्वेंस में ही चलता है। जब आप स्टेयर्स चढ़ते हैं, अपने घर में सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, क्या कभी ऐसा होता है कि आपने पहले पहली पैड़ी पर पार रखा, फिर आपने चौथी पर रखा, फिर आपने आठवीं पर रखा? नहीं ना। आप क्या करते हो, पहले फर्स्ट पे रखते हो, फिर आप सेकंड में, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, ऐसे कर कर के आप ऊपर पहुंच जाते हो। तो प्रोसेस हमेशा एक सीक्वेंस में ही चलता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम करते हैं अब स्टार्ट। तो पहला जो पॉइंट है यहाँ पे वो क्या है, डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर। अब स्टाफिंग में सबसे पहला काम हमारा क्या था, हमने देखना है कि कितनी मैन पावर की हमें ज़रूरत है। मैन पावर ही हो गई ना, जितने लोगों को हमें रखना है, क्योंकि वो हमारे लिए काम करेंगे, तो एक किस्म से वो हमारे लिए पावर ही तो हुए, तो इसलिए हम उनको क्या बोल रहे हैं, मैन पावर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हम इसमें क्या करते हैं, हमें देखना है कि कितने लोगों की हमें कंपनी के लिए आवश्यकता है, और जितने लोगों की आवश्यकता है उनके लिए हमें क्या उसमें स्किल्स होने चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए, ये सब कुछ भी हमें क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेप तो क्या हो गया भाई, अब आपने मैन पावर की रिक्वायरमेंट निकाल ली है। दूसरी चीज़ हमारी क्या आ जाती है, फिर हम देखते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवेदन करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवेदन कैसे करेंगे, अगर आप उन्हें अच्छी सैलरीज दे रहे हैं, आप अच्छा उन्हें वर्किंग एनवायरनमेंट दे रहे हैं, आपने अपने उसमें बातें डाली हैं, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आने के लिए इच्छुक होंगे। जो हमारे पास आने के लिए इच्छुक होगा तो हम ये करेंगे कि वो हमारे पास आके अप्लाई करें, ठीक है। और क्योंकि हम लोगों को कह रहे हैं कि हमारे पास आओ, तो मैंने अभी पीछे भी बताया था, तो हम इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, दैट इज़ ए पॉजिटिव अप्रोच, ठीक है। अब लोगों के पास, लोगों ने आपके पास एप्लीकेशंस भेज दी हैं, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या चला, चलिए साथ साथ मैं इसमें एक एग्जांपल भी उठा लेती हूँ। अब देखिए बच्चों, कहीं पे भी जब भी कोई जॉब लगनी होती है तो उसके लिए पहले क्या निकाला जाता है, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में अक्सर आपने देखा होगा कि उसमें पोस्ट लिखी होती हैं कि भाई दो हैं, चार हैं, पाँच हैं, लिखी होती है ना। वो किस बेस पे लिखी होती हैं, क्योंकि उन्होंने ऊपर लिख दिया, पहला स्टेप हमारा क्या था, रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करना, तो उन कंपनी वालों ने भी रिक्वायरमेंट डिटरमाइन कर ली थी। अभी सेकंड पार्ट था कि उन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया और उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ के लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। लोगों ने अप्लाई कर दिया,
थर्ड हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, सिलेक्शन। अब सिलेक्शन क्या चीज़ है, अब हज़ारों लाखों लोगों को तो हम नहीं रख सकते, अगर हमें दो लोगों की ज़रूरत है तो हम दो को ही रखेंगे, तीन की तीन भी नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि हम तीसरे का फालतू में क्यों देंगे भाई पैसा, कोई फ्री में थोड़ी ना हमारे पास काम करेगा, तो हमें आफ्टर ऑल उसे पैसा तो देना पड़ेगा, तो हम क्यों देंगे उसको पैसा, है ना, हम उसे पैसा नहीं देंगे। तो इसलिए फिर अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो हमारे उस पर नहीं उतरता, हम जैसे क्या कर सकते हैं, उनका कोई रिटन टेस्ट रख सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, उनके और डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं, उनकी इंटेलिजेंसी वगैरह कुछ चेक करने के लिए हम ये चीज़ें करवा सकते हैं। फिर एट लास्ट हम उसमें से क्या करते हैं कि जितनी हमारे पास एप्लीकेशन थी, हमने उसमें से जो दो चार लोग हमें चाहिए थे उनको हमने सेलेक्ट कर दिया, बाकी के हमारे क्या हो गए, यहाँ पे रिजेक्ट हो गए। ठीक है, तो जब बाकी के हमारे रिजेक्ट हो गए तो ये हमारी क्या चीज़ है, क्योंकि कुछ लोगों को हमने काफ़ी सारे लोगों को रिजेक्ट भी किया है, तो इसलिए हम उसको क्या कह सकते हैं, नेगेटिव अप्रोच भी हमारी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है सिलेक्शन के बाद, वो आता है हमारा प्लेसमेंट। अब आपने क्या करा, उनको सेलेक्ट तो आपने कर लिया, अब सेलेक्ट के बाद आपने उनको क्या किया, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया कि भाई हमने तुम्हें अपने पास अपॉइंट कर लिया है। लेकिन खाली हमारे अपॉइंटमेंट लेटर देने से बात नहीं बनती, वो भी हमें क्लिक कर देता है, ठीक है मुझे भी मंजूर है और मैं भी तुम्हारे पास काम करूँगा। ठीक है, और फिर जो हमारे पास है कि जो विभाग अध्यक्ष है, विभाग अध्यक्ष अब क्या करेगा, उसको सारा काम समझा देगा कि भाई कैसे कैसे तुम्हें क्या काम करना है। नेक्स्ट आता है फिर उसमें रिटेंशन। अब उसे आपने रखना है अपने पास, है ना, अपॉइंट कर लिया, तो अब अगला काम अब आप उसमें से क्या करोगे, उसके लिए आप उसको अपने पास रखोगे कि वो लंबे टाइम तक आपके पास रहे। लंबे टाइम तक कोई कैसे रहेगा, जब वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई होगा। जॉब से कब सेटिस्फाई होगा, जब आप उसे अच्छा वेतन दोगे, अच्छी वर्किंग कंडीशंस दोगे, तो वो क्या रहेगा, हमारे पास काफ़ी लंबे टाइम तक रह जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आ गया हमारे पास ट्रेनिंग। अब वो इंसान के लिए काम नया है ना, तो हम उसे ट्रेनिंग भी देते हैं, सारे काम के बारे में ढंग से समझा देते हैं, ताकि जो हमारा काम है वो बहुत अच्छे से चल सके हमारा। फिर उसके बाद आ जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत ज़रूरी है कि जो काम हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा था, हम देखेंगे कि क्या उसने जो एक्चुअल काम किया उसके वो कितना योग्य है, है ना, जितनी हमने योग्यता समझी थी, क्या वो उतनी योग्यता से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। और अगर वो योग्य है तो फिर आप उसे क्या कर देते हो, प्रमोशन दे सकते हो, आप उसे अपर लेवल पे ट्रांसफ़र कर सकते हो कि भाई हाँ ठीक है, तुमने बहुत अच्छा काम करते हो तो तुम इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो, तुम्हारी जो पैसा है वो भी बढ़ा दिया जाएगा, तुम्हारी पोस्ट भी बढ़ गई है, तो उसे उसे भी अच्छा लगेगा और वो लंबे टाइम तक और काम करेगा। कई बार इसी तरीके से हम ज़रूरत पूरा करने के लिए ट्रांसफ़र भी कर लेते हैं, पहले कोई परचेज डिपार्टमेंट में था, अब सेल्स में जगह खाली है, हम उसको वहाँ सेल्स में भेज सकते हैं, है ना, आपस में हम एक कंपनी की कंपनी में ही हम उसमें ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। एंड लास्ट हमारे पास इसमें क्या आ जाता है, सेपरेशन। काम से अलग करना, काम से अलग क्यों करते हैं, काम से अलग करने के कुछ हो सकते हैं, हो सकता है कि उस इंसान की उम्र हो गई हो, अगर उस इंसान की उम्र हो चुकी है अब वो काम नहीं कर सकता तो हम उसे क्या कर देंगे, रिटायरमेंट दे देंगे, भाई तुम रिटायर हो जाओ, अब तुम अपने घर पे आराम करो, अब तुम नहीं और काम कर सकते। दूसरा ये भी हो सकता है कि उसको हमने क्या किया कि टर्मिनेट कर दिया, वो काम ही नहीं अच्छा कर रहा था, हमने उसे बार बार वॉर्न किया कि तुम काम अच्छा करो अच्छा करो अच्छा करो, लेकिन वो काम ही नहीं अच्छा कर रहा, तो अल्टीमेट हमें उसको क्या करना पड़ा, यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया हमने उसको। और तीसरा हम उसके साथ क्या कर सकते हैं, रिट्रेंच कर दिया, अब हमें काम ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं थी तो हमने कुछ लोगों को हटाना था, तो वो भी काम से क्या हो गया, अलग हो गया, हो गया ना अलग काम से। अब यहाँ पे जैसे अब देखिए कि कोरोना चल रहा है और कितनी जगह लोगों को जो काम था, बीच में फैक्ट्रीज बंद थी, सब कुछ बंद था, काम ठप हो गए थे, तो क्या सारे के सारे लोग वहीं पे काम कर रहे हैं, नहीं, उनके जो मालिक थे, उनके जो थे ऑफिसर्स, उन्होंने उनको क्या कर दिया, रिट्रेंच कर दिया कई जगह, कि वे जहाँ 50 लोग काम कर रहे थे अगर 10 की ज़रूरत थी तो 40 को हटा दिया। तो कुछ लोगों को रखा और कुछ लोगों को हटाना, दैट इज़ रिट्रेंचमेंट।
ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमारी ये क्या हो जाता है, स्टाफिंग ख़त्म हो जाता है कि हमने लोगों को अपॉइंट किया देखकर समझकर, और जब हमें उनकी ज़रूरत नहीं थी या जब उनको काम नहीं करने की पोजीशन में थे या अच्छा काम नहीं कर रहे थे तो हमें उनको काम से सेपरेट भी करना पड़ा। तो आई होप बच्चों कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा टॉपिक। तो आज के लिए हमारा इतना ही, दैट्स ऑल।